अभी मैं और अशोक जी मेरे कैबिन में बैठे हुए हैं। अशोक जी सेमिनार्स का कोऑर्डिनेशन देखते हैं। इनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं शायद, तो ये मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। सो मैं अपना पीछे यहाँ पे अपने वर्क स्टेशन पे बैठ करके कुछ काम कर रहा था। मैंने कहा कि यार अगर क्लियर करना ही है, मैंने कुछ बोलना ही है, आपने पूछना ही है, तो बजाय कि ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहे, क्यों ना इसको कैमरे पर डाल दें। तो इसीलिए मैंने इमीडिएटली अभी भूपेंद्र को फ़ोन किया 10 मिनट पहले, एंड भूपेंद्र इज़ देयर। मंदीप इज़ द वन लाइक से हु इज़ हैंडलिंग दी अदर कैमरा। सो बताइए अशोक जी, क्या सवाल हैं आपके, क्या क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या डाउट्स हैं आपके? जैसे कि आपने अपने उसमें लास्ट वाले सेशन में बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव, तो आपने बताया था कि बिलीफ इज व्हाट लाइक नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, दैट इज बिलीफ। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस बिलीफ कैसे है? क्योंकि जिनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो यानी उनका कोई बिलीफ नहीं है, या फिर फेथ क्या है, या फेथ अलग है बिलीफ से? तो ये डाउट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप क्लियर करें। एंड बड़ा वैलिड सा पॉइंट है कि अल्टीमेटली बिलीफ ही सब कुछ है। ये हर जगह लिखा हुआ है, चाहे हम कोई मोटिवेशनल बुक देख लें, किसी की बातें सुन लें, चाहे हम रिलीजियस कोई बुक उठा करके देख लें। विश्वास में उतनी ताकत है जो वो करवा सकता है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। विश्वास में इतनी ताकत है, लेकिन इस विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक पतली सी लाइन है। सो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेसिकली क्या है। सिर्फ आपको नहीं, आई थिंक आपको भी बताने वाला हूँ। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, उसको आप इमेजिन करना कि अभी इस कमरे में जहाँ पर इतनी लाइट है, यहाँ पर लाइट ना हो और बिल्कुल अंधेरा हो, रात के 2 बजे हुए हैं और कोई लाइट नहीं है, लाइट जा चुकी है, और मैं आपको कहूँ कि एक चीज़ को ढूंढना है आपको, कैसे ढूंढोगे? और यही अगर अभी यहाँ पर रोशनी हो और फिर आपको कहा जाए उस चीज़ को ढूंढने की, तो कितनी देर लगेगी? बिल्कुल टाइम। कट। हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है। तो माइंड को अगर सिंपल वे में देखा जाए तो माइंड का खेल क्या है, जब भी हमें कंफ्यूजन है कि इस स्टेट में हम क्या करें, कहां जाएं, कहां ना जाएं, तो माइंड डार्कनेस में है। डार्कनेस में माइंड काम नहीं कर सकता, माइंड पैरालाइज हो जाएगा इमीडिएटली, या बौखला जाएगा, इधर उधर भागने लग जाएगा बिना किसी वजह के। जैसे ही लाइट होगी, लाइट मतलब कि नॉलेज एक्सपीरियंस होगा, और फिर आपको कहा जाएगा, आपने माइंड को कहा कि ये काम को करो, माइंड 1 सेकंड में कर देगा, माइंड रास्ता निकाल लेगा, बशर्ते लाइट। ये तो है एक सिंपल सिचुएशन, लेकिन लाइफ में सिंपल सिचुएशंस कम होती हैं और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती हैं, स्पेशली जब बात आती है हमारे करियर से रिलेटेड। एक रियल लाइफ सिचुएशन पकड़ते हैं, रियल लाइफ। एक लड़का है, उसके अंदर 4 तरह के डिज़ायर्स हैं, चारों अलग अलग, उसमें से मान लो 2 तो उसने हटा दिए। उसने कहा ठीक है ये 2 हैं लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं हैं, इसको बाद में कभी देख लूँगा। 2 हैं और वो दोनों इक्वल हैं, दोनों ही बराबर हैं, अब दोनों में से कौन सा करें? जब तक वो इस डिसीजन को नहीं लेगा तब तक माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी। पहला डिजायर है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन इंडस्ट्री में जाकर के काम करना है, दिखने में अच्छा खासा हूं, एक्टिंग करनी है, जाकर के हीरो बनना है, एक्टर बनना है। दूसरा डिजायर क्या है इसके अंदर? दूसरा यह है कि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करना है, क्योंकि बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट रहा है, और उसने हार्डवेयर का कोर्स किया है 3 महीने का, इससे रिलेटेड उसके पास में आइडिया भी है कंप्यूटर्स में क्या करना है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं कर सकता वो, है ना, ज़्यादा बड़ा बिजनेस वो नहीं कर सकता, एक हार्डवेयर कंपनी नहीं खोल सकता। तो उसके पास में एक सिंपल सा आइडिया है कि लोगों के पास में, सबके पास में कंप्यूटर है आज की डेट में, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि ऐसे ऐसे बदल रही है जल्दी 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 जल्दी, हर 6 महीने में, हर साल में। तो उसके पास में एक सिंपल सा आइडिया है कि मैं इन पुराने कंप्यूटर्स को लोगों से ले लूं, जिनके पास में पुराने कंप्यूटर्स हैं, और जो मैंने हार्डवेयर का कोर्स किया हुआ है और मेरा इंटरेस्ट भी है कंप्यूटर्स के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, उसको दोबारा से ठीक करूं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करूं और ले जा करके बेच दूं। जब उसने अपने घर में डिस्कस किया इस काम के बारे में कि मैं ऐसी एक दुकान खोलना चाहता हूँ जहाँ पे पुराना कंप्यूटर लूँगा और उसको ठीक करके आगे बेचूँगा, तो उसके घर वालों ने कहा कि तू कबाड़ी का काम करना चाहता है, कबाड़ी का काम हुआ ये। अगर एक ऐसे आदमी जिसको ज़्यादा टेक्निकली नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे ना, अच्छा ठीक है कबाड़ है ना, जो कंप्यूटर पुराना हो गया है, जो पड़ा हुआ है, वो तो कबाड़ है, तो तू कबाड़ी की दुकान खोलना चाहता है, मतलब मोटा मोटा ये है। उसके फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और वो कह रहे हैं कि मैं कहीं से सेटिंग करवा के तेरी किसी तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब लगवा दूंगा, फ्यूचर सिक्योर हो गया तेरा, बाकी की पूरी ज़िंदगी मज़े से निकलेगी, उसके बाद में पेंशन आएगी वो अलग।
तो अब ये तीन ऑप्शंस हैं उसके पास में। अब आप आराम से ये सोचोगे, आप वो लड़के हो, अब आप क्या करोगे? मुझे ऐसा लगेगा कि यदि मैं एक्टिंग कर जाता हूँ तो बैकअप नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, और यदि मैं फेल हो गया तो फिर वापस आ जाऊँगा, फिर घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और खुद को भी लगेगा कि मैं फेलियर हो गया। यदि मैं कबाड़ी की दुकान करता हूँ या कंप्यूटर की दुकान करता हूँ तो पहला लोग मुझे बहुत मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, और उसमें अगर फेल हो गए तो क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं, मुझे लगेगा कि मेरे जो फादर कह रहे हैं, यदि कन्फर्म कह रहे हैं कि जॉब लगा देंगे और वहाँ से मुझे पैसे भी आ जाएंगे और ठीक है, उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, तो मैं अपने डिजायर को छोड़ के फिर फादर के साथ जो कहेंगे वो कर लूँगा, जॉब कर लूँगा। तो ये नॉर्मली मुझे लगता है। उसमें खुश रहोगे आप? नहीं, बट वही, हाँ, खुश तो नहीं रहूँगा उसमें, खुश नहीं रहूँगा। और लाइफ का अल्टीमेट मकसद क्या है? खुशी है या कुछ और है? पैसा है, सिक्योरिटी है, और है, ये सब क्या है? खुशी है, वो तो खुशी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वहाँ पे आप खुश नहीं रहोगे। कुछ दिन तक करूँगा काम, मतलब अपने डिजायर्स को ही मार दिया। तो दो चीज़ें होंगी इस सिचुएशन में, या तो आप खाली बैठ जाओगे कुछ टाइम के लिए, और जहाँ आप खाली बैठ गए उतना ही प्रेशर घर वालों को और बढ़ता चला जाएगा, या दूसरा होगा कि आप अपने डिजायर्स को छोड़ करके जॉब में चले जाओगे, या तीसरा होगा अगर आपका डिजायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उन दोनों कामों को करने का, कंप्यूटर वाला भी और एक्टिंग वाला भी, अब इन दोनों में से क्या चीज़ को चूज करोगे? फीलिंग हीरो बनने में ज़्यादा बढ़िया है, और फीलिंग कबाड़ी की दुकान में थोड़ी सी खराब है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो कंप्यूटर के काम में ज़्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर्स आप बचपन से ही करते आ रहे हो, बचपन से ही, मतलब कि 10-12 साल की एज से आप कंप्यूटर्स को खोलते हो, जोड़ते हो, आपको सर्किट्स, इन सब चीज़ों से आपको प्यार है। वहाँ पर आप पैसे के लिए नहीं कर रहे उस काम को, आपको प्यार है उस चीज़ से, यू आर इन लव विद कंप्यूटर्स, इसीलिए आपने हार्डवेयर का किया था कोर्स। लेकिन दूसरी तरफ फीलिंग बहुत बढ़िया है, नाम है, फेम है, पैसा है, वो सब कुछ है जो कोई आदमी सपने में सोच सकता है, क्या करो? मुझे लगता है कि मुझे लगेगा कि अभी मेरे पास टाइम है, ये कंप्यूटर काम तो बाद में भी कर सकते, बाद में भी कर सकते हो, और अभी फेम वाला काम कर लेता हूँ, यदि मैं सक्सेस हो गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो मनी, नेम, फेम, हाँ, सब कुछ मिल जाएगा मुझे, तो हाँ, मैं पहले फिल्म के लिए जाना प्रेफर करूँगा। फिल्म के लिए आप चले जाओगे, और सब यही कर रहे हैं आप? क्या सब यही कर रहे हैं ज़्यादातर लोग? देखो, हो क्या रहा है कि हमको जिस काम में अच्छी फीलिंग्स होती हैं, हम उसमें इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं, हम एक्शन ले लेते हैं उस डायरेक्शन में, बिना ये सोचे कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है। बॉम्बे में डेली हज़ारों लोग ट्रेन से उतर रहे हैं हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, मतलब महीने के लाखों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उसमें से बन कितने रहे हैं? बहुत कम। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आ तो रहे हैं वो लोग, देखो उनके अंदर बिलीफ है कि हम कर सकते हैं, तभी आ रहे हैं ना, वरना क्यों आएंगे? वरना अपने गांव में ही रहेंगे या अपने शहर में, जहां से आ रहे हैं वहीं पे रहेंगे। उनके अंदर है कि मैं कर सकता हूं, मैं हीरो बन सकता हूं, मैं एक्टर बन सकता हूं, लेकिन जब वो आए तो आ करके भीड़ में खोते चले जा रहे हैं। अब आपने ट्रेन पकड़ी दिल्ली से और आप बॉम्बे पहुंच गए। देखो, एक था आपका सपना, सपने को पकड़ करके आप बॉम्बे आ गए, अब रियलिटी को फेस करते हैं ना, क्या करोगे आप? सबसे पहले फोटोग्राफ खिंचवाओगे कहीं से, उसके बाद में क्या करोगे? फिर ऑडिशन के लिए जाऊंगा। ऑडिशंस के लिए जाओगे, ऑडिशन में क्या होगा? वहां पे टेस्ट लेंगे, वो मेरा। आपको डिजायर बहुत स्ट्रांग है, और आप इसके साथ साथ में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपने डिजायर को और स्ट्रांग करते चले जा रहे हो कि मैं एक हीरो बन गया हूँ, बन गया हूँ, बन गया हूँ, बन गया हूँ, एक्टर बन गया हूँ, एक्टर बन गया हूँ, चारों तरफ टीवी पे मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ। ये तो है आपका एक सपना जिसमें आप जी रहे हो, सपनों की दुनिया में, असलियत की दुनिया में आते हैं, रियलिटी में आते हैं, एक बार रियलिटी को फेस करते हैं। आप चले गए ऑडिशंस देने के लिए, आपने अपनी फोटोग्राफ भेजी कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में, उसमें से एक प्रोडक्शन हाउस से आपके पास में कॉल भी आ गया, अब क्या होगा? खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कहोगे यार मजा आ गया, प्रोडक्शन हाउस से मेरे को कॉल आ गया, और फिर अब आपके सपने देखने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। आप सपने पे रोलोगे कि यार अब तो कॉल आ गया ना इस प्रोडक्शन हाउस से, अब तो देख मैं इतना बढ़िया ऑडिशन दूंगा कि अब मज़ा आ जाएगा, मैं तो गया ही गया, आ ही आया अब तो मैं इंडस्ट्री के अंदर, अपने घर पर भी फ़ोन कर दोगे, अब आप टेंशन मत लो, ऑडिशन की कॉल आ गई, मज़ा आ गया, अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगले दिन चले गए ऑडिशन के लिए, अब क्या होगा? हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, अंधेरा है,
कन्फ्यूजन है. क्यों है कन्फ्यूजन? क्योंकि ना तो आपका एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट है, ना आपका एक्टिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कोई नॉलेज है, ना एक्टिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस है. ना तो आपने स्कूल में कभी एक्टिंग करी, ना आपने कॉलेज में कभी एक्टिंग करी. सिर्फ दिखने में लुक ठीक ठाक है, तो आपने सोचा कि यार मैं तो बस अब हीरो बन ही जाऊँगा. और वहाँ जा करके क्या हुआ? ब्लैंक हो गए. यही होता है वहाँ. मतलब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, या वो मिलेगा जो आप हो, जो आप हो. और आप क्या हो? आप एक एक्टर तो नहीं हो, ये तो बात कन्फर्म्ड है. नहीं हो ना एक एक्टर. अब इसमें जरूरी नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप एक्टर बन ही नहीं सकते. लाखों में 1% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद आपके अंदर एक ऐसी एक्टिंग छुपी हुई हो जो आपको पता ही ना हो, लेकिन शायद है, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है. कि जिसने कभी एक्टिंग करी नहीं, कैमरे को फेस किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट को याद करते हैं, क्या करते हैं, वो वहां चला जाएगा तो ब्लैंक हो जाएगा माइंड. पहले तो डर आ जाएगा, आप डर जाओगे वहां पे जाते, क्योंकि पहले कभी ये चीज करी नहीं ना, और साथ में इतने सारे सपने जुड़े हुए, तो और बड़ा डर. मतलब आप बेसिकली एक लॉटरी का टिकट खरीद करके दिल्ली से बॉम्बे चले गए. हो सकता है लग भी जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लगेगी. कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, लेकिन कितनों की लगती है? लाखों में एक. अब क्या होगा जब आप उस ऑडिशन में फेल हो जाओगे? आपका बिलीफ कैसा होगा? बिलीफ की क्या हालत होगी? डिजायर तो है, लेकिन बिलीफ क्या हो जाएगा? बिलीफ कैसे बनता है? नॉलेज से, एक्सपीरियंस से. तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? फेलियर. कि मैंने ये कोशिश करी और मैं नहीं कर पाया. तो अब आपका बिलीफ क्या हो गया? जो पहले था उससे बहुत नीचे आ गया, टूट गया, खत्म हो गया. अब आप दोबारा अगले ऑडिशन में जाओगे तो क्या होगा? आपके चांसेस कम, और कम हो जाएंगे, क्योंकि बिलीफ और गिर गया ना. उसमें भी आप फेल हो गए, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो, तो बिलीफ और क्या होगा? और गिर गया. फिर क्या होगा? बिलीफ और गिर जाएगा, बिलीफ और गिर जाएगा. अब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. या तो आप उस डिजायर को छोड़ दोगे, आप कहोगे छोड़ यार बेकार है मैं नहीं करता, या फिर आपके अंदर जिद है, आप उस डिजायर को पकड़ के रखोगे, नहीं मुझे तो करना है. लेकिन बिलीफ टूटता ही चला जा रहा है, बिलीफ और गिरता चला जा रहा है. अब आप क्या करोगे? आपका माइंड, जब आपने उस डिजायर को हद से ज्यादा स्ट्रांग कर दिया ना, किसी भी तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करेगा. फिर चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, गलत काम करना पड़े या सही काम करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, कुछ फीमेल्स हैं जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि वो जा करके कोई गलत काम करेंगी, लेकिन उनको करने पड़ जाते हैं. क्यों? कौन करवा रहा है उनसे गलत काम? क्या सामने वाला आदमी करा रहा है? नहीं, उनका अपना माइंड करा रहा है. गलत काम करके अगर पा भी लिया तो टेम्पररी बेसिस पे पा सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो सच आपके सामने आएगा, शीशा आपके सामने आएगा कि आप एक्चुअल में क्या हो, आप एक एक्टर हो या नहीं हो. डिजायर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिलीफ का सारा खेल है. अगर तो आप एक्टर हो, आपके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है, आपको नॉलेज है एक्टिंग की, एक्सपीरियंस है एक्टिंग के अंदर, तब तो आप आगे बढ़ जाओगे. नहीं तो अगर एक फिल्म मिल भी गई तो फिल्म आधे में ही खत्म हो जाएगी. 2 दिन शूटिंग होगी फिल्म की, उसके बाद में उनको समझ आ जाएगा एक्टिंग एक्टिंग कुछ नहीं आती, ऐसे हटाओ. ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो रहा है. अभी भी अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो आप आगे बढ़ते रहोगे. अब आपने क्या किया? आप गए जा करके कुछ प्लेस देखते शुरू करे आपने. आपने देखा कि एक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, क्या करते हैं. उसके बाद में आपने जा करके कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, छोटा से छोटा, या जा करके कोई छोटा सा एक्टिंग का कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया. आपको 4 दिन में पता लग जाएगा कि आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, या आपके अंदर एक्टर छुपा हुआ है या नहीं, या एक्टिंग आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं, या किसी और को देख करके आप एक्टर बनना चाह रहे हो, या किसी आउटकम की वजह से आप एक्टिंग को पकड़ रहे हो. एक्टिंग जरिया है वहां तक पहुंचने का जहां पहुंचना चाहते हो, या एक्टिंग ही वो है. एक्टिंग कोई जरिया नहीं है, एक्टिंग ही आउटकम है, एक्टिंग ही वो है, एक्टिंग ही सब कुछ है आपके लिए. अगर आपको जवाब मिलता है जब आप वो कोर्स करते हो एक्टिंग का, या आप जाते हो किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करते हो, आपको जवाब मिल जाता है एक्टिंग ही मेरी जिंदगी है, माइंड फोकस हो गया, माइंड को क्लियर है, गोल मिल गया. गोल क्या है? कोई आउटकम नहीं है. गोल सेटिंग कुछ लोगों को लगता है कि मैं बोलता हूं कि भाई गोल सेटिंग नहीं करनी चाहिए, बिना गोल सेटिंग के आपका माइंड काम ही नहीं कर सकता. गोल सेटिंग आउटकम पे नहीं करनी चाहिए, मतलब गोल सेटिंग इस पे नहीं करनी कि एक्टिंग की वजह से मैं हीरो बन जाऊंगा, मेरे साथ में ये हो जाएगा. अगर आपने वहां कर दी तो देखो कितना बड़ा ट्रैप है.
अगर आपने अपने माइंड में एक गोल सेटिंग कर दी कि मैं एक हीरो बन जाऊंगा, तो आप अपने माइंड में हीरो बन चुके हो, लेकिन असलियत में आप हीरो नहीं बने, असलियत में आप जीरो हो। अब आपको कोई कहेगा कि आपको हीरो का रोल नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्ले के अंदर एक लाश का रोल मिलेगा जिसमें आपको लेटे रहना है, करोगे आप? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप माइंड में हीरो हो, एक्चुअल में आप जीरो हो। उस आदमी के तेवर कैसे होंगे? मेरे को क्या समय रखा है, मैं साइड का रोल करूंगा, मैं तो हीरो का रोल करूंगा। तेवर बड़े हैं, अंदर से खोखला है। तो आपको किसको पकड़ना है? एक्टिंग को पकड़ना है। जब आपने एक्टिंग को पकड़ा और आउटकम को छोड़ा, तो आप लाश का रोल भी कर लोगे। आप कहोगे कोई बात नहीं यार, मौका मिल रहा है ना, मौका क्यों छोड़ू, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, मुझे हीरो बनना ही नहीं, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। गोल सेटिंग आपने कहां करी? कि मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर बनना है, मुझे उससे अच्छा एक्टर बनना है। ये नहीं, यहां भी अटक गए जा करके। अगर आपने ये गोल सेटिंग कर दी, मुझे उस आदमी से अच्छा एक्टर बनना है, हो सकता है आपका पोटेंशियल हो कि आप उससे हजार गुना अच्छा एक्टर बन सकते हो, लेकिन आप वहीं पे जाके अटक जाओ, या आप वहां तक कभी पहुंच ही ना पाओ, तो आप अटक गए। यहां पे आपने क्या कहा कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग, एक्टिंग में भी बेसिकली हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है। आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, आप कहते हो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कॉमेडी कर सकता हूं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमेडियन बनना है। गोल सेटिंग हो गई, मुझे गोल चाहिए माइंड को, बिना उसके माइंड अंधेरे में है। तो आपने सब तरफ से सारा ध्यान हटा करके आपने कहां लगा दिया? माइंड को क्या बोल दिया कि मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमेडियन बनाओ, मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमेडियन बनना है। हो गई ना शुरुआत? और मजे की बात, नॉलेज को कुछ लोग ये समझते हैं कि नॉलेज का मतलब है एजुकेशन, जबकि एजुकेशन, बुक्स, ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक ड्रॉप, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। कि एजुकेशन अपने आप में एक बूंद है उस सागर में जिसका नाम है नॉलेज, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप क्या कर सकते हो उस कॉमेडी को? जरूरी नहीं है आपको कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, आपके माइंड को एक गोल मिल गया ना, सारा फोकस वहां पे डाल करके अपने आसपास में देखो, आपको चारों तरफ कॉमेडी नजर आने लग जाएगी। लोगों में आपको कॉमेडी नजर आएगी, बस स्टैंड पे आपको कॉमेडी नजर आएगी। तो क्या उस टाइम पे आप नॉलेज गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो? यस। आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे, आप किसी कोर्स में नहीं जा रहे, लेकिन आप नॉलेज गेन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि माइंड को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मुझे क्या चाहिए। और एक्सपीरियंस का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब वो ये समझते हैं कि हमको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे, एक एक्टर हो सकता है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो, दूसरी तरफ एक एक्टर हो सकता है जिसको सिर्फ 2 महीने का एक्सपीरियंस हो। सकता है जो 2 महीने वाला एक्टर है वो उस 20 साल वाले से लाख गुना बेटर हो। क्यों? क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी देर किस काम को कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा फोकस के साथ, कितने ज़्यादा ध्यान के साथ, कितनी अवेयरनेस के साथ उस काम को कर रहे हो। एक्टिंग करी किसी ने 20 साल, एक्टिंग को एक्सपीरियंस कितने साल करी भाई? दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक आदमी कहता है मुझे 20 साल का एक्टिंग में एक्सपीरियंस है, वो तो ठीक है, तूने एक्टिंग को कितने साल एक्सपीरियंस किया ये तो बता। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि मेरे को 6 महीने का एक्टिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने 6 महीने तक सिर्फ एक्टिंग को ही एक्सपीरियंस किया, बाकी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ भी और नहीं, कोई और काम नहीं, कोई कंप्यूटर्स नहीं, कोई ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 6 महीने तक एक्टिंग को एक्सपीरियंस किया। पेपर के ऊपर एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है जिसको 20 साल हो गए, रियलिटी में एक्सपीरियंस उस 6 महीने वाले का ज़्यादा है। वो उससे बेटर एक्टर है, जो बेटर होगा उसको वो ही मिलेगा जो वो है, वो नहीं जो वो चाहता है। हो सकता है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है वो जा करके कहेगा कि यार तुमने गलती करी, वो जा करके फिंगर पॉइंट करेगा उसकी तरफ जिस डायरेक्टर ने उसको नहीं लिया। वो कहता है देखो मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस, आपने मेरे को नहीं लिया, इसको ले लिया जिसको 6 महीने का एक्सपीरियंस है। लेकिन रियलिटी क्या है, वो पेपर पे नहीं दिखती, वो अंदर होती है। तो ये खेल है सारा का सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस। अब टेबल की दूसरी तरफ जाओ, जो बढ़िया डायरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अच्छे एक्टर्स चाहिए, अब वो ही नहीं है। ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो हीरो बनना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में हीरो बहुत कम है जो अंदर से हीरो हो, समझ गए? ऐसे बहुत हैं जो बाहर से हीरो लग रहे हैं लेकिन अंदर से जीरो है। अंदर से मतलब बिलीफ के मामले में, नॉलेज के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में। ऐसे बहुत हैं जो बाहर से देखने में हीरो हैं, अंदर से जीरो हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो बाहर से चाहे देखने में जीरो हो लेकिन अंदर से हीरो हैं। और ऐसे तो बहुत ही कम हैं जो बाहर से भी हीरो और अंदर से भी हीरो, मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी,
मतलब एक्टिंग के साथ साथ एक्टर तो बन गया मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर रहा है, उसको भी सीख रहा है। जरूरी नहीं है कहीं कोर्स करके, लोगों को देख करके, जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं उनको देख करके, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उनसे सीख करके, उनसे बात करके, समझ करके, अपने आप को प्रमोट कैसे किया जाता है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर तो है लेकिन वो गाँव में ही बैठा रहे जिंदगी भर, कभी बाहर ही ना आए तो किसको पता लगेगा बॉम्बे में कि इस नाम का एक बंदा एग्जिस्ट करता है। तो अपने आप को प्रमोट कैसे किया जाता है, वो बुक्स में पढ़ के, समझ करके। मतलब कि एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन आपने उसको अपने घर में रख लिया, बिकेगा कैसे, बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, उसको पहले तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। एक बार प्रमोट कर दिया और वो प्रमोट हो गया, उसके बाद में तो दुनिया आएगी ना उसको ढूंढती हुई, दुनिया अपने आप खरीदेगी। तो इसने ये भी सीखा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर कैसे बनना है, उसके साथ साथ एक एक्टर की पैकेजिंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अंदर से पैकेजिंग गंदी सी है, उसके ऊपर कीड़े घूम रहे हैं, सड़ी हुई सी पैकेजिंग है, आप खरीदोगे उस प्रोडक्ट को, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो। दूसरी तरफ आप गए खरीदने के लिए एक प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग अच्छी है लेकिन अंदर से प्रोडक्ट बेकार है, पैकेजिंग अच्छी है लेकिन प्रोडक्ट बेकार है, वो खरीदोगे? एक बार तो खरीद लोगे, दोबारा नहीं खरीदोगे। तो आपको प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए, पैकेजिंग भी अच्छी चाहिए, साथ में प्रमोशन भी चाहिए। अच्छा, इसके बाद भी एक सिचुएशन मान लो कि एक आदमी ने अपनी पूरी जान लगा दी, अपने ध्यान को पूरे तरीके से फोकस कर दिया एक काम के ऊपर 2 साल तक, और फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। मान लो कि इस एक्टर की, इस लड़के की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक एक्टिंग स्कूल में गया, उसने अपना सारा फोकस, सारा ध्यान उठा करके एक्टिंग पे डाल दिया, और 2 साल तक उसने एक्टिंग करी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर बन भी गया। जब पूरा ध्यान वहाँ होगा तो वो बनेगा ही बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन उसके बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिली, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अगेन सक्सेस और फेलियर तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना, वो लीड रोल मिलना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। अब क्या हुआ, क्या इसका कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा तो हुआ कि उसने सीख लिया, कोर्स कर लिया और एक्टर बन गया, इतना तो फायदा हुआ उसको, राइट। लेकिन उसका आउटकम नहीं मिला या परफॉर्म नहीं कर पाया, दुनिया की नज़र में उसको कोई फायदा नहीं हुआ, दुनिया की नज़र में वो फेल हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसको एक ऐसी चीज का एक्सपीरियंस हुआ है जिसको आप पैसों में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, जिसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते, जो इतनी प्रेशियस है, जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्या है कि किसी एक काम पे फोकस करना, वो आ गया उसको। उसने 2 साल में और कुछ नहीं सीखा, एक्टर बन गया, बढ़िया, लेकिन एक्टिंग में उसको सक्सेस नहीं मिली। उसको मोटा मोटा ये तो समझ आ गया ना कि 2 साल तक अपने ध्यान को आउटकम की बजाय काम पे फोकस कैसे किया जाता है, फीलिंग्स को छोड़ करके काम पे फोकस कैसे किया जाता है, अपने आप को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये लड़का लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि आज एक्टिंग में उसको सक्सेस नहीं मिली लेकिन ये जो एक्सपीरियंस लेकर के निकला यहाँ से, इस एक्सपीरियंस को अब वो किसी भी काम में यूज कर सकता है और मिरेकल्स कर सकता है। एक काम में नहीं हुआ, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा। 2 साल में नहीं हुआ, तीसरे साल में होगा, चौथे में होगा, पांचवें में होगा, लेकिन ये सब होने के बाद में उसको जो सक्सेस मिलेगी वो पक्की होगी, क्योंकि दैट विल बी बेस्ड अपॉन बिलीफ। वो टेम्पररी नहीं होगी, वो परमानेंट होगी, क्योंकि उसका ध्यान बिल्कुल सही जगह पर है, उसका ध्यान काम पर है। तो आज नहीं तो कल वो इस काम में परफेक्ट होने के बाद भी फेल हो गया, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि किसी भी काम में परफेक्ट कैसे हुआ जाता है। परफेक्शन का सिर्फ एक तरीका है कि सारा ध्यान, सब कुछ उस काम पर होना चाहिए। उसको ये समझ आ गया, उसने ये एक्सपीरियंस कर लिया, उसने ये सीख लिया, उसको ये नॉलेज हो गई। तो आज उसने ये काम किया, कल वो कोई और काम करेगा, और अगर उसमें भी सेम इन्हीं फंडों को अप्लाई कर देगा और उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग उसको ढूंढते हुए आएंगे। सारा खेल फोकस और ध्यान का है, सारा खेल ध्यान ही तो है, फोकस ही तो है, अटेंशन ही तो है। ध्यान से देखो, जो लोग सक्सेसफुल दिख रहे हैं आपको किसी भी फील्ड में, उसमें और फेलियर्स में क्या फर्क है? उनका ध्यान काम पे ज्यादा है और चीजों पे कम है। जो लोग फेलियर्स हैं उनका ध्यान और चीजों पे बहुत ज्यादा है, काम पे कम है। ये ध्यान वही है क्या जो मेडिटेशन कहते हैं, वो ध्यान और ये ध्यान दोनों एक ही चीज होता है? दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो इसको करने के लिए यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वहां पे जो मेडिटेशन है, वहां पे हम अपने ध्यान को अंदर लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने ध्यान को बाहर लेकर के आ रहे हैं। ध्यान को जब आप अपने बाहर किसी भी चीज़ पे लगा दोगे तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो,
ध्यान को जब आप अंदर ले जाओगे तो आप खुद को जान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टर की हम बात कर रहे थे अभी, एक्टर अगर वो अपने ध्यान को ले जा करके एक्टिंग पे लगा देगा तो क्या होगा, उसको एक्टिंग की नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, जानना, ज्ञान, उसको एक्टिंग का ज्ञान हो जाएगा। जैसे एक्टर ने अपने आप को बेटर बना भी लिया, फिल्म भी उसकी बन गई, लेकिन फिल्म की प्रमोशन अच्छे से नहीं हो पाई या फिल्म फ्लॉप हो जाती किसी वजह से, या पैकेजिंग कहें या उसको प्रमोशन कहें, तो उसमें वो क्या कर सकता है उसके लिए? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यू नो मैं जो बार बार चीज़ें कहता हूँ ना, सक्सेस को छोड़ो, फेलियर को छोड़ो, वो क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं। चाहे कितनी भी अच्छी आप फिल्म बना दो, क्या आपके हाथ में है कि वो हिट होगी या फ्लॉप होगी? बढ़िया से बढ़िया डायरेक्टर की भी फिल्म फ्लॉप हो सकती है और बेकार से बेकार डायरेक्टर की फिल्म भी हिट हो सकती है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि सक्सेस को और फेलियर को छोड़ दो, आउटकम ही तो है। जहाँ आपने आउटकम को पकड़ लिया वहीं आप अटक गए। कि अगर आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि मेरी फिल्म हिट हो गई तो मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं तो मैं फेलियर हूँ, तो अब आपकी सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, ऑडियंस के हाथ में। लेकिन अगर आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन ये है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, छोटे से छोटा रोल कर रहा हूँ, लाश बनाऊँ एक प्ले के अंदर, है ना, चद्दर डाल के लेटा हूँ, एक डायलॉग भी नहीं मिला, लेकिन आज मैंने एक्टिंग करी तो आज मैं सक्सेसफुल हूँ, क्या चांसेस हैं उसके सक्सेसफुल होने के? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100% कि वो हीरो बने ना बने, एक बात पक्की है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमेडियन एक्टर बन जाएगा। जिस दिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर बन गया, डायरेक्टर्स खुद उसको ढूंढते हुए उसके दरवाजे पे आएंगे। अच्छा, आप इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि वो लड़का जब ये कंफ्यूजन की स्टेट में था कि मैं जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब जो मिल रही है, या मैं अपना एक कबाड़ी की दुकान खोलूं, या मैं एक्टिंग करूं, उसने अपनी एक क्लैरिटी लाया। उसको ये क्लियर है कि जब तक माइंड में कन्फ्यूजन है तब तक माइंड काम नहीं करेगा, तो क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्लैरिटी कब आएगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो उसने पहले तो सबसे पहले क्या नहीं करना है उसको चूज़ किया, जॉब नहीं करनी, हटा दिया। अब बचे दो ऑप्शंस, एक है एक्टिंग, एक है कबाड़ी की दुकान। कौन सा करना है दोनों में से? इसका सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक, कि आपको अपनी इंटेलिजेंस को बीच में लाना पड़ेगा। आपको टटोलना होगा इन दोनों में से कि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ। और बड़ा सिंपल सा आपको जवाब निकल करके आया कि मैं हीरो इसलिए बनना चाहता हूँ, एक्टिंग इसलिए करना चाहता हूँ, मेरा एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक्टिंग से जो मिलने वाला है वो तो कमाल है, वो तो लाइफ बना देगा यार। क्लियर है? ठीक है, तो आप वो काम आउटकम के लिए कर रहे थे, मतलब कि नेम फेम मनी के लिए। तो आपको समझ आ गया कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, हट गया। क्या बचा? कंप्यूटर। आपने उसके भी आउटकम को छोड़ दिया कि इसकी वजह से क्या होने वाला है, सक्सेसफुल होगा फेलियर होगा पता नहीं, छोड़ देते हैं। क्या कंप्यूटर्स में मेरा पैशन है? क्या कंप्यूटर्स में मेरा इंटरेस्ट है? क्या कंप्यूटर्स मेरी स्ट्रेंथ है? क्या कंप्यूटर्स में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं? क्या कुछ ऐसा है कंप्यूटर्स के अंदर? क्या मैं कंप्यूटर्स का कीड़ा हूं? जवाब आया हाँ, तो कंप्यूटर का काम करना है, कबाड़ी की दुकान खोलनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपनी चादर को देखा कि मेरी चादर है कितनी, कि मैं कितना पैसा अरेंज कर सकता हूँ अपने फादर से, अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने यहाँ से, वहां से, मैं कहाँ तक रिस्क ले सकता हूँ जिसके बाद में मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा, मतलब हाथ पैर सलामत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कर्जे में डूब गया और जिंदगी भर सिर्फ कर्जा ही उतार रहा हूँ, इतना नहीं। जहाँ तक मेरी चादर है उतने मेरे को पैर फैलाने, बस आपको जवाब मिल गया कि मैं सिर्फ 30,000 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी जो अपनी पुरानी सेविंग्स हैं उसको मिला करके और यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से करते करते सिर्फ 30,000 रुपये, सिर्फ 30,000 रुपये। अब वो कहते हो यार अब क्या करूँ, अटक गया मैं तो, 30,000 रुपये में कैसे काम करूँगा ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, अब उस डिजायर को पकड़ना है, अब ये टाइम आ गया है। बार बार फीलिंग्स आ करके आपको कहीं और ले करके जाएंगी, भटकाएंगी, बट इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगले एक साल के लिए मैं सिर्फ ये ही करने वाला हूं और कुछ नहीं करूंगा। कि मुझे ये करना है तो हर हालत में करना है, करने के तरीके बदलते रहेंगे थोड़े थोड़े, लेकिन काम यही करना है।
काम यही करना है, कंप्यूटर हार्डवेयर वाला, ये जो आइडिया है इसको पकड़ करके रखना है, इस आइडिया को, अब चाहे कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, इसको पर्पस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्पस। आपको ये समझ आ गया ना क्यों करना है, यही तो पर्पस है। आप एक समुद्र के अंदर आप हो, एक नाव के ऊपर, उस टाइम पे आपको एक पोल स्टार नजर आ रहा है जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, और वो आपको क्या कर रहा है, डायरेक्शंस दिखा रहा है। अगर ध्रुव तारा है ही नहीं आपकी जिंदगी में तो क्या होगा, भटक गए, फिर तो आप कहीं भी जा रहे हो वो सारे सही रास्ते हैं और सारे गलत रास्ते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ ना, फिर तो कुछ है ही नहीं, लाइफ में खो गए ना। अगर सपोज एक तूफान आया और आपकी बोट ऐसे जा रही थी और ऐसे घूम गई, और अब आपको वो तारे की जरूरत है, उस मकसद की जरूरत है, उस पर्पस की जरूरत है, उस वजह की जरूरत है उस काम को करने की, तब आप हिलोगे नहीं, तब आप वापस से घूमते 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 वहां तक पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। पर्पस क्या है आपका, कि आई एम इन लव विथ कंप्यूटर्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। अब चाहे वो कबाड़ी की दुकान हो, चाहे ये हो, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे करना है, जो करना है वो कंप्यूटर से रिलेटेड करना है। क्या नहीं करना, जॉब नहीं करनी, एक्टिंग नहीं करनी। अब माइंड को क्या हुआ, माइंड को एक क्लियर कट पर्पस मिल गया, इससे रिलेटेड अब हमको गोल चाहिए, क्लियर गोल, तभी माइंड काम करेगा। अभी भी क्लैरिटी पूरी नहीं आई, वाई क्लियर हो गया, क्यों करना है, क्योंकि मुझे प्यार है, अब उसको चाहिए कि क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया, क्यों करना है, क्या करना है। उसको ये हुआ कि मेरे पास में सिर्फ 30,000 रुपये है, जिसमें दुकान तो नहीं खुल सकती, अब क्या करूँ, पर्पस को छोड़ दूँ, जॉब में चला जाऊँ, ना भाई वो तो नहीं करना ना, क्लियर हो चुका है, तो वहाँ तो देखने का दोबारा मतलब ही नहीं है ना, उसको तो छोड़ दिया पीछे, अब उसको नहीं देखना, एक्टिंग में चला जाऊँ, ना गया, करना यही है, रास्ता नहीं मिल रहा, करना यही है। अब वो जाके धक्के खाएगा, एक्शंस लेगा, एक्शंस कैसे ले रहा है, अब वो जा जा करके अपने आइडिया से रिलेटेड जा करके जितने भी कबाड़ी वाले हैं उनसे मिल रहा है, उनसे जाकर पूछ रहा है, आपके पास कितने आते हैं, कितने आते हैं, कितने आते हैं, कितने आते हैं, कोई बोल रहा है मेरे पास में एक पीस आता है एक दिन का, कोई बोल रहा है दो आते हैं, कोई कहता है हफ्ते में एक पीस आता है, और वो उससे पूछता है कि आप करते क्या हो, कहते हैं कि मैं इन सारे कंप्यूटर्स को ले करके, जो ये पुराने से पीस आते हैं हमारे काम के तो होते नहीं है, तो या तो हम इसको अलग अलग करके बेच देते हैं, या फिर इसको ले जा करके हम एक डंप यार्ड को दे देते हैं, वो तोल करके जो पैसे होते हैं हमको दे देते हैं, मतलब पीछे से कंप्यूटर हमने लिया 500 रुपये का, आगे ले जा करके हमको इसमें कमाई हो गई 300 रुपये की, तो 800 रुपये हमको मिल जाते हैं। उसको समझ आ गई कहानी, उसने कहा भाई मुझे दुकान खोलने की ज़रूरत क्या है, उसने जा करके उन कबाड़ी वालों को बोला कि आप 800 रुपये का आगे बेचते हो, मैं 800 रुपये आपको देता हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दो ना। उन्होंने कहा ले लो ले लो। इसने क्या किया, 800 रुपये के 5 कंप्यूटर खरीदे, देख करके चूज करके उसमें से 10 कबाड़ी वालों की दुकानों पे गया, वहाँ से उसने वो आइडिया निकाला, और जो अच्छी कंडीशन में थे, क्योंकि कबाड़ी वाले को नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, इसको है, इसने निकाल लिए 5 पीस ऐसे जो इसको पता था कि इसमें अगर थोड़ा सा पैसा और डाला जाए तो ये अच्छी कंडीशन में आ सकते हैं। टोटल उसका कितना पैसा लग गया, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये उसकी जेब से लगे, 6,000 रुपये उसने अपनी जेब से लगा दिए उसको नया बनाने में, उसको बेटर बनाने में, उसको तोड़ा मरोड़ा जोड़ा कुछ भी किया, पार्ट्स ऐड किए, कुछ पार्ट्स हटाए, कुछ पार्ट्स ऐड किए, 10,000 रुपये लग गए, 5 कंप्यूटर उसके पास रेडी हो गए। एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी आ गई, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का उसको कंप्यूटर मिल गया, उसके घर में 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं जो अच्छी कंडीशन में है, नॉट एज गुड एज ब्रांड न्यू कंप्यूटर, बट नॉट एज बैड एज अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर। अब क्या करेगा, अभी भी वो अटक गया, फिर से अटक गया, कहाँ बेचेगा। देखो उसको 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्या करना है, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन बेचना कैसे है वो उसको पता नहीं, तो अब वो क्या करेगा, अब वो उसको ये बात समझ आएगी वहाँ पर जा करके कि भाई साहब नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करनी है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये भी उसी प्रोडक्ट का पार्ट है, उसके बिना आप एक फेलियर हो। नहीं तो क्या होगा, वो कंप्यूटर तो बना लेगा, वो कहेगा कि देखो यार मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, कंप्यूटर भी बना लिया, अब नहीं बिक रहा तो मैं क्या करूँ, जो फेलियर होगा वहाँ जाके अटक जाएगा, वो कहेगा अब नहीं बिक रहा मैं क्या करूँ, मैं तो गया 10 दुकानों पर जाकर के, मैंने कहा खरीद लो, किसी ने खरीदा ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि तेरे को प्रोडक्ट बनाना तो आ गया, उसको मार्केटिंग करना नहीं आया। तब उसको उस पॉइंट पे आके क्या करना चाहिए, उसको एक बुक पढ़नी चाहिए, जो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। उसने क्या किया, उसको समझ आया कि भाई बिलीव स्ट्रांग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है
कि प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करो. प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, व्हाट आर दी फोर पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. क्या है ये? प्लेस का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी का मतलब क्या है? प्राइस क्या होना चाहिए? प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रमोशन करते कैसे हैं? कैसे करते हैं प्रमोशन? एडवर्टाइजिंग क्या होती है? कैसे पैम्पलेट बनते हैं? कैसे डिजाइन होता है? क्या होता है प्रोडक्ट का यूएसपी? क्या होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन? क्या होता है ये सब चीजें? वो किसी स्कूल से नहीं सीख रहा, किसी कॉलेज से नहीं सीख रहा, अपने आप सीख रहा है. और कहां से सीख रहा है? ऐसे आदमी से जिसको कि एक्सपीरियंस है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज में. हम क्या करते हैं, नॉलेज गलत जगह से ले लेंगे और फिर कहेंगे कि वो काम क्यों नहीं कर रहे. नॉलेज का फायदा सिर्फ तब है जब आप एक ऐसे आदमी से लो जिसको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है, जिसने उस टॉपिक पे रिसर्च करी है, जिसको पता है, हु इज अ मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. उससे आप नॉलेज को गेन करो तो बढ़िया है. अगर उसने 5 कंप्यूटर तो बना लिए, अब उसने मेरी बातें सुनी, उसने कहा कि यार मेरे को अब नॉलेज गेन करनी होगी पैकेजिंग के बारे में और प्रमोशन के बारे में, चल मैं काम करता हूँ, जा करके अपनी मम्मी से बात करता हूँ या अपनी दादी से बात करता हूँ, क्या होगा? अटक गया. क्यों? नॉलेज तो वो गेन कर रहा है, राय तो वो देंगे. देखो इंडिया में राय देने से तो कोई पीछे हट ही नहीं सकता ना. एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर, एवरी पर्सन इज अ कंसल्टेंट. किसी के पास भी आप राय मांगने चले जाओ, या आपने किसी अंकल के पास में चला गया जिनको बिजनेस की ABCD भी नहीं पता, जो पिछले 20 साल से जॉब कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता मार्केटिंग के बारे में, अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, और उनसे जाकर के पूछा अंकल जी मैंने ये 5 कंप्यूटर बनाए कैसे बेचूं, वो राय दे देंगे. उस नॉलेज पे वो एक्ट करने लग जाएगा. हो सकता है रिजल्ट मिले, हो सकता है ना मिले, बट अगेन वो अंधेरे में तीर चला रहा है. कंफ्यूजन है ना माइंड में. उसको भी अंदर से तो पता है कि जिन अंकल से मैं पूछ रहा हूँ उनको भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे क्या नॉलेज देंगे, और उस नॉलेज पे मैं काम कर रहा हूँ, तो माइंड कंफ्यूज हो गया. माइंड को क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए. तो इसने क्या किया, इसने मार्केटिंग मैनेजमेंट की वो बुक उठाई फिलिप कोटलर की, एक बार पढ़ी समझ नहीं आई, फीलिंग भी अजीब सी हुई, लेकिन उसने कहा कि भैया फीलिंग्स को नहीं पकड़ना, फीलिंग्स मेरी कह रही है कि छोड़ बेकार है बुक, इससे अच्छा अपनी दादी से जाकर के राय ले, मज़ा तो आएगा कहानियाँ सुनने में, मम्मी से जाकर के पूछो कैसे बेचने कंप्यूटर, क्या जरूरत है फिलिप कोटलर की, इतनी भारी भारी भाषा है कुछ समझ आ नहीं रहा है, क्या बातें हो रही हैं ये, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये सब क्या क्या है, ये चीज़ें क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, मार्केटिंग मेरी तो समझ से ही बाहर है भाई. लेकिन समझना पड़ेगा अगर काम करना है तो, अगर उसमें कामयाब होना है तो. सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट में बिलीव स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होगा, पैकेजिंग में भी बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए, मार्केटिंग में भी होना चाहिए, प्रमोशन में भी होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए, तब वो बिलीव की पावर सामने आएगी निकल करके. तो उसने एक बार पढ़ी, उसको नहीं समझ आई, फीलिंग्स खराब हुई, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ी पूरी की पूरी बुक, दोबारा पढ़ी, अब जाकर के मोटी मोटी चीज़ें समझ आ गई. उसमें सबसे पहले एक चीज़ को समझा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिसिस, मार्केट सर्वे, ये सब चीज़ें उसको समझ आई. वो गया मार्केट में जाकर के देखा कि कौन लोग हैं जो सेकेंड हैंड कंप्यूटर बेच रहे हैं और किस रेट पे बेच रहे हैं. उन सबके पास गया, उन सबके ब्रोशर्स लेकर के आ गया, उनसे समझा कि अच्छा आप क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कितने का है, क्या है, एज अ कस्टमर वहाँ पे गया और जा करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया. अब उसको एग्जैक्ट नॉलेज है, उसको पता है कि इसका प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए. मार्केट में लोग 5,000 का बेच रहे हैं, उन सबके ब्रोशर्स लेकर के अपने उसने टेबल पर रख दिए और उसने कहा कि मैं 3,000 का बेचूंगा, 6,000 का नहीं, 5,000 का नहीं, 3,000 का बेचूंगा, और ये सारे ब्रोशर्स हैं ये मैं टेबल पर रखूंगा उन बायर्स के लिए जिनसे मैं जा करके मिलने वाला हूँ. उनको दिखाऊंगा कि भैया आपको मेरे से नहीं खरीदना 3,000 का, कोई बात नहीं, आप 5,000 का इनसे खरीद लो, लो जी ये 5 लोग हैं, इनके एड्रेसेस है, जाओ जाके खरीद लो. सच बोल रहा है वो, झूठ नहीं बोल रहा, झूठ का भी सहारा नहीं ले रहा. उसको ये भी क्लियर है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, ये भी क्लियर है, ये भी उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर है. इससे भी बिलीव स्ट्रांग होता है. जो आदमी गलत काम करता है उसको एक्शन लेने में डर लगता है, जिसको पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा वो खुल के एक्शन लेगा ना, उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? सोचो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे मन में चोर है, तो मेरा बिलीफ कैसा होगा और मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? और अगर मुझे पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके भले के लिए है, आपके फायदे के लिए, तब मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? और मुझे पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, तब मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा बिलीफ कैसा होगा? ये भी नॉलेज का पार्ट है. नॉलेज ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम. किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज जितनी आपको क्लियर होती चली जा रही है उतना ही आपका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जा रहा है. उसने कहा कि मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलने वाला, कि भैया ये देखो ये 5 जगह है जहां पे 5,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, मैं आपको 3,000 रुपए का दे रहा हूं, वो आपको 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, मैं भी आपको 1 साल की गारंटी दे रहा हूं, क्लियर है? उसको कितने का पड़ रहा है? 2,000 रुपए का. उसने जब उस बुक को पढ़ा मार्केटिंग में, तो उसको समझ आया प्रमोशन कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके हैं.
एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, उसने कहा ये तो मेरे बजट से बाहर है. पैम्फलेट्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब चीज़ें उसको समझ आई. उसने कहा पैम्फलेट्स तो मैं बनवा सकता हूँ, वो तो मेरे बजट के अंदर है. उसने 10,000 पैम्फलेट छपाए. क्या कॉस्टिंग आई 10,000 पैम्फलेट की? 2,000 रुपये छपाने के, 2,000 रुपये डलवाने के अखबार के अंदर, क्योंकि जहाँ जा करके डलवाते हैं उनको भी पैसे देने होते हैं. मैंने भी बहुत डलवाए जा जा करके, तो इसलिए मुझे पता है. तो उसने वो जो पैम्फलेट्स बनवाए, सपोजिंगली 5,000 रुपये मोटी मोटी कॉस्टिंग आ गई 10,000 पैम्फलेट की, तो अब उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई अभी तक? 10,000 रुपये वो हो गई और 5,000 ये हो गई. अभी भी उसकी जेब में 15,000 रुपये हैं. उसको पहले ही पता था क्योंकि वो मार्केटिंग की वो बुक पढ़ चुका था ना. जो नहीं पढ़ी होगी उसको तो नॉलेज नहीं होगी. इसको समझ आ गया था कि ऐसा नहीं है 10,000 पैम्फलेट दे रहा हूँ तो 10,000 लोग कॉल करेंगे. नहीं तो अगर कोई ये सोच करके डलवाता किसी के कहने पे और उसके पास में कॉल जाती 10, तो वो परेशान हो जाता. ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. इसको पहले ही पता था कि 10 कॉल आने वाली है. 10,000 पैम्फलेट जा रहे हैं तो उसकी अगर 0.1% भी कॉल आ गई, इसका मतलब बहुत बढ़िया. 1% नहीं, 2% नहीं, 10% नहीं, 0.1%. 10,000 का 1% होता है 100. तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे को 100 कॉल आ जाए. उसने कहा अगर 10 कॉल्स भी आ गई तो बहुत है. आ गई 10 कॉल, 10 की जगह 15 कॉल आ गई. लोगों ने फ़ोन किया, बोला हाँ भाई बताओ क्या है, मैं आपके घर आता हूँ ना सर, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप होम सर्विस है हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं. उसके लिए तो अच्छा है ना, कस्टमर के लिए. उसको कहीं आने की भी ज़रूरत नहीं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे वो खुद घर पे जा रहा है. उसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसको अपना ऑफिस नहीं खोलना पड़ रहा, उसको दुकान नहीं खोलनी पड़ रही. पैम्फलेट के बेस पे काम हो गया. 15 जगह वो गया, जा करके उसने क्या किया, सच बोल दिया और उन 15 में से 3 लोगों ने कंप्यूटर खरीद लिया. उसको कितने का फ़ायदा हुआ? 3,000 रुपये का. अब अगर कोई बंदा जिसने वो बुक नहीं पढ़ी होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो परेशान हो जाएगा. वो कहेगा यार एडवर्टाइजिंग में मैंने 5,000 रुपये लगाए पैम्फलेट के और यहाँ मुझे सिर्फ 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये तो नुकसान है, फ़ायदा कहाँ है? हो गया ना. यही फ़र्क है नॉलेज और एक्सपीरियंस का. लेकिन अब वो पढ़ चुका है, वो समझ चुका है ऐसे आदमी से जो मार्केटिंग का जीनियस है, उससे समझ चुका है. तो उसने क्या किया, वो परेशान नहीं हुआ, वो और खुश हो गया. उसको समझ आ गया खेल है क्या. उसको समझ आ गया एडवर्टाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने 5,000 रुपये लगाए तो मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं. एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि अगर 5,000 लगाए और 3,000 भी कमाए तो 3 क्लाइंट्स तो आ गए. और उसने क्या किया, अभी उसके पास में 15,000 रुपये और पड़े हुए थे, उसने दोबारा ऐड निकाली. इस बार उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया लोगों से बात लेने का, वो भी तो एक्सपीरियंस नहीं था ना उसको. इस बार फिर 15 कॉल आई जिसमें से जा करके वो 10 लोगों से मिला, बाकियों ने मिलने से ही मना कर दिया और 10 में से अगेन 4 लोगों ने खरीदा. क्योंकि उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने का नहीं, उसको पैकेज करने का नहीं, उसको प्रमोट करने का नहीं, प्रोडक्ट को बेचने का भी बढ़ गया. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दैट ऑल्सो गोज इन हिज बिलीफ सिस्टम. अब की बार 4 कंप्यूटर बिके, 3 पहले बिके थे, 4 अब बिके थे. और मेरी एक बात बिजनेस में हमेशा याद रखना, बिजनेस में ना 2 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि जब मेरे 1,000 प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा. इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, उससे क्या होगा, मैं 1,00,000 रुपये महीने का कमाऊंगा, 2,00,000 कमाऊंगा, 5,00,000 कमाऊंगा. मेरे को कभी कोई ऐसा मिलता है ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बता दे तेरा पहला प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता. जबकि जवाब ये होना चाहिए कि एक कैसे बिकेगा, एक बिक गया तो 10 भी बिकेगा, 100 भी बिकेगा, 1,000 भी बिकेगा, 1,00,000 भी बिकेगा. बट अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि वो एक कैसे बिकेगा, आप अटक गए. अगर एक कंप्यूटर उसने बेच लिया तो वो 10 भी बेच सकता है, 1,000 भी बेच सकता है, 1,00,000 भी बेच सकता है. और बड़े बड़े प्लान बना दिए सोच करके कि मैं एक दुकान खोलूंगा और वहां पे 100 कंप्यूटर बिक जाएंगे, हो सकता है एक भी ना बिके, हो सकता है 10 बिक जाए, हो सकता है तेरा खर्चा ही ना निकल पाए महीने का. तो पहले कुछ एक्सपीरियंस करो. तो उसको एक्सपीरियंस हो गया कंप्यूटर बेचने का भी, पैकेज करने का भी, प्रमोट करने का भी, मार्केटिंग का भी और बनाने का भी. इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या हो रहा है, उसका बिलीव स्ट्रांग होता जा रहा है. उसने दोबारा से पैम्फलेट निकाले, अब की बार 4 की बजाय 5 लोगों ने लिया, 5 लोगों ने लिया. कितने बिक गए? 5 और 4 और 3, 12 कंप्यूटर्स बिक गए. इसने सर्विस को 100% अपनी प्रायोरिटी बनाया, सर्विस की भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को स्ट्रांग कर दिया कि सर्विस कैसे देनी है. अगर रात को 10 बजे भी कॉल आता इसके पास में कि मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे खरीदा है, तो अगले दिन नहीं कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा आपके पास में, खुद उठ करके भागता हुआ जाता रात को 10 बजे और 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करता. क्यों कर पा रहा था? क्योंकि उसको कंप्यूटर से प्यार था. अगर उसको पैसे से प्यार होता तो ये काम कभी नहीं करता. वो क्या कहता है, हाँ देखेंगे, कल मैं लड़का भेजूंगा आपके पास में. लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया. उसने उनको इतना सेटिस्फाइड कर दिया
इतना सेटिस्फाइड कर दिया उन क्लाइंट्स को, उनको इतना दे दिया जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन 12 लोगों ने उठा करके एक एक रेफरेंस दे दिया सबने इसको, और उसकी वजह से 12 कंप्यूटर और बिक गए इसके। कितने बिक चुके हैं अब तक उसके? 24 कंप्यूटर बिक गए। 12 बिके प्रमोशन की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, पैकेजिंग की वजह से, एडवर्टाइजिंग की वजह से। दूसरे 12 क्यों बिके? सर्विस की वजह से। रेफरेंस क्यों आया? सर्विस अच्छी थी। ये भी प्रोडक्ट का ही पार्ट है। लोग सर्विस को कई बार प्रोडक्ट से अलग समझते हैं। सर्विस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट अच्छा है आज तो आप बेच लोगे, रेफरेंसेज नहीं आएंगे, रेफरेंसेज नहीं आएंगे बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। अब उसके पास में 24 कस्टमर्स हो गए, और धीरे धीरे करते 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 अब वो एडवर्टाइजिंग भी करता चला जा रहा है, वहाँ से और कस्टमर्स भी आते चले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उसका बिलीव भी स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अब काम बढ़ गया, अब वो अकेला नहीं कर सकता, टीम भी बढ़ गई, एक आदमी और बढ़ गया जो अब हार्डवेयर का कंप्यूटर बना रहा है, एक आदमी आ गया जो सेल्स का देख रहा है, अब उसने एक दुकान भी ले ली क्योंकि उसके घर वालों को भी दिख रहा है। अब अकेले उसका बिलीव स्ट्रांग नहीं हो रहा, उसके घर वालों का भी स्ट्रांग हो रहा है, उसके पापा का भी हो रहा है, उसकी मम्मी का भी हो रहा है, जो मना करते थे कि क्या कबाड़ी का काम कर रहा है, आज वो खुद कह रहे हैं चल बेटा दुकान खोल ले, तू कमा तो रहा है। अगर 24 कंप्यूटर उसने बेचे और हर एक में 1000 रुपये कमाए, तो 24,000 रुपये कमा लिया ना। उसके पापा को भी ये बात समझ आ गई कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता तो वहाँ पर एक महीने में उसको 12,000 रुपये मिलते और एक साल लगता 10% बढ़ने में। यहाँ पर उनको वो बात समझ आ गई कि यहाँ पर लड़के ने 2 महीने में 24,000 रुपये कमा लिए, तो अगर 24 कमा सकता है तो 50,000 भी कमा सकता है, 1,00,000 भी कमा सकता है, 10,00,000 भी कमा सकता है। तो आउटकम आ रहा है जितना वो सोच सकता है उससे बहुत ज्यादा, लेकिन उसका फोकस कहाँ है? अभी भी काम पे। उसने 24,000 को नहीं पकड़ा। अगर अभी भी जा करके वो इसको पकड़ लेगा, वो कहेगा 24,000 रुपये बहुत है मेरे लिए। अब उसके अंदर लालच आ गया, पैसे को पकड़ लिया, उसका ध्यान कहाँ से हट गया? प्रोडक्ट से हट गया, पैकेजिंग से हट गया, प्रमोशन से हट गया, मार्केटिंग से हट गया, सेल्स से हट गया, सर्विस से हट गया। ये अमाउंट जो 24,000 आ रही है ना, गिरने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी तेजी से नीचे गिर गया। अगर इस 24,000 को ना पकड़े, इस 24,000 को दोबारा से इन्वेस्ट कर दे, जो पैसा जितना आ रहा है उसको दोबारा इन्वेस्ट करता जाए, करता जाए, करता जाए, और अपने प्रोडक्ट को भी बेटर करता जाए, मार्केटिंग को बेटर करता जाए, सर्विस को बेटर करता जाए, हर चीज को बेटर करता चला जाए, करता चला जाए। मतलब ही इज मेकिंग हिमसेल्फ बेटर। जो मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेज लॉ ऑफ लव के एंड में एक लाइन लिखी हुई है, क्या है वो लाइन? बी मोर टू गेट मोर, बी मोर टू गेट मोर। वो क्या कर रहा है अभी? वो खुद को बेटर बनाता जा रहा है, खुद को सिर्फ एक वे में नहीं, हर वे में खुद को बेटर बना लिया। और अब उसके साथ में जो और टीम आएगी, जो और लोग आएंगे, उनको भी वो सिखा सकता है, क्योंकि उसको खुद को एक्सपीरियंस है। उसने खुद एक्सपीरियंस किया ही नहीं होता और पैसा देख करके काम खोल दिया होता और जा करके वो लोगों को बता रहा है कि तुम सेल्स ऐसे करो, उसको खुद को सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या सिखाएगा? वो कहेगा कंप्यूटर ऐसे बनाओ, उसने खुद कभी बनाया नहीं, वो क्या सिखाएगा? कोई भी आदमी आके उसको बेवकूफ बना के चला जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन जिसको हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया, जो नीचे से ऊपर उठा है, वो अगर फिर गिर भी गया तो वो फिर दोबारा उठ सकता है। जो लिफ्ट से ऊपर पहुंच गया, वो आज तो पहुंच गया भाई, कभी ना कभी गिरेगा। लाइफ ऐसे नहीं है, लाइफ ऐसे ऐसे है, ऐसे है। जो लिफ्ट से किसी को उठा करके, हेलीकॉप्टर से उठा करके चोटी पर बिठा भी दिया किसी ने, मान लो वो जिस दिन गिरा वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें हिम्मत ही नहीं होगी, उसको आदत पड़ गई उस चोटी की, अब कहाँ ज़मीन पे। लेकिन जो ऐसे चढ़ा और वो गिर भी गया, वो फिर उठ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ जाएगा। और उसके लिए पहाड़ पे चढ़ना ही सक्सेस है, चोटी पे खड़े रहना नहीं। चढ़ना, उतरना, आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, सक्सेस है, फेलियर है, पीक है, वैली है, पीक है, वैली है, सक्सेस है, फेलियर है, कुछ भी है, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। इसका मतलब ये नहीं वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये नहीं है सक्सेस और फेलियर को छोड़ने का मतलब। उसका काम क्या है? काम को ग्रो करना। काम ग्रो होता है या नहीं होता, वो उसका काम नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर उसका फोकस होगा काम को ग्रो करने पे, तो काम ग्रो होगा। और ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने अभी सिर्फ 24 कंप्यूटर्स बेचे हैं, आपको क्या लगता है कि कल वो 50 बेच पाएगा, 100 बेचेगा, 1,000 बेचेगा, 1,00,000 बेचेगा? वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स की सेल और परचेज की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता। वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन सकता? वो बन सकता। वो क्यों बन सकता है? क्योंकि उसने जीरो से शुरू किया। आज ये बंदा कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकता,
इसने सब कुछ अपने हाथ से कर लिया ना, इसको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये पता है कि मेरे को कैसे करना है, और इसको सब कुछ पता है, तो इसको कोई क्या हिलाएगा, इसको कोई क्या रोकेगा, इसके कितने भी कॉम्पिटिटर्स आ जाए सामने, इससे कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, इसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जिसके लिए हार और जीत की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसको कोई क्या हराएगा, जो जीतना चाहता है आप उसको हरा सकते हो, जिसके अंदर जीतने का लालच ही नहीं है, हारने का डर ही नहीं है, उसको हरा के दिखाओ, हराओ, कैसे हराओगे, हरा सकते हो, नहीं हरा सकते, उसको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, और यही बिलीफ है। तो यहाँ तक तो बिलीफ क्लियर हो गया, बट अब एक छोटा सा सवाल है कि बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस है, कुछ एक है। वो छोटा सा फर्क है, हेयर लाइन का फर्क है। बिलीफ की वजह से आप चलते हो, बिलीफ की वजह से आप आगे बढ़ते हो, लेकिन जब आप चलना सीखते हो तो आप गिरते हो, उस समय जो आप खड़े होते हो वो फेथ की वजह से होते हो।